योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के सहयोगी स्वामी मुक्तानंद का कल देर रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बाबा रामदेव ने ट्वीट कर स्वामी मुक्तानंद के निधन की जानकारी दी। स्वामी मुक्तानंद का बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि में अहम योगदान रहा है। आचार्य बालकृष्ण के बाद पतंजलि में तीसरे नंबर पर अगर कोई था तो वो स्वामी मुक्तानंद थे। स्वामी मुक्तानंद साल 1987 से बाबा रामदेव के साथ थे और पतंजलि योगपीठ के कोषाध्यक्ष भी थे। उनके निधन से पतंजलि परिवार समेत संत समाज में शोक की लहर है। योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने अपने परम सखा और योग और आयुर्वेद की उन्नति यात्रा के साथी रहे स्वामी मुक्तानंद को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। आज शाम कनखल शमशान घाट पर विधि विधान के साथ स्वामी मुक्तानंद का अंतिम संस्कार किया गया। स्वामी मुक्तानंद को अंतिम विदाई देने सैकड़ों की संख्या में लोग उनकी शव यात्रा में शामिल हुए। अपने साथी स्वामी मुक्तानंद को याद करते हुए स्वामी रामदेव भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो गया है। जीवन का ये परम सत्य इतनी जल्दी उनके सामने आ जाएगा, ये उन्होंने सोचा नहीं था। उनके उपकारों से हृदय कृतज्ञता से भर आता है। इधर उधर देख ही नहीं पा रहा था जब उनका कभी सोचा नहीं था अपनी आंखों के सामने इतनी जल्दी उनको ऐसी मुखाग्नि देंगे, उनको अपने आंखों के सामने इतना जल्दी चिता में जलता हुआ देखेंगे। जीवन का ये शाश्वत सत्य होते हुए भी इतना शीघ्र इसको आत्मसात इसके सम्मुख अभिमुख होना पड़ेगा ये सोचा न था। घर से कुछ दिमाग में सूझ ही नहीं रहा कि कैसे ये हो गया। अभी भी मन को विश्वास नहीं हो रहा है कि वो जीवराशि हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने जो हमें प्रेम दिया, आशीष दिया, अनुग्रह किया और हमें हर पल उभारा। मैं तो पतंजलि में पूज्य बापू जब कथा करने आए तब एक बात उन्होंने दसियों बार दोहराई, लोग बड़ों को बहुत गौरव देते हैं लेकिन बड़े होने का दर्द, बड़े होने की वेदना संवेदना, बड़े होने का बोझ कितना होता है, बड़े को कितने विष पीने पड़ते हैं, किस तरह से उसको जीना होता है वो तो उससे पूछो। लेकिन सारे पतंजलि ने मुझे बड़ा माना लेकिन मैंने पूज्य महाराज श्री को हमेशा बड़ा मान करके जब भी मेरे सम्मुख आते थे मैं उनको प्रणाम करके उनके चरणों में सिर टिका झुका करके आशीष लिया करता था। अब उस रूप में पतंजलि में कोई बड़ा आशीर्वाद देने के लिए यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहेगा लेकिन हम उनको भौर में उठ करके उनका रोज अंतःकरण से आशीर्वाद लिया करेंगे। और जैसे मुझे वो कहा करते थे, दो बातें हमेशा कहते थे मुझसे, स्वामी जी अपनी हर एक सेवा के लिए एक सन्यासी तैयार करो, चाहे वो योग पीठ हो, चाहे संगठन हो, योगाग्राम हो, निरामयम हो, जितने भी सेवाएं हैं। और अपने इस बात को जब भी मिलते एक बार दोहराते, आज उनका सपना भी वो पूरा होता हुआ अपनी आंखों के सामने देख करके गए। स्वामी मुक्तानंद को याद करते हुए स्वामी अवधेशानंद ने कहा कि उनके जाने से पूरे संत समाज को क्षति पहुंची है। महाराज संस्था के कोषाध्यक्ष थे, वो एक ऐसे आधार स्तंभ और एक ऐसी सत्ता जिसे प्राण सत्ता कहा जा सकता है, एक प्रेरणा सत्ता कहा जा सकता है, जो पतंजलि परिवार का आज वैभव और उसकी साकारता और अथवा पूरे विश्व में उसके लिए स्वीकृति दिखाई दे रही है, उसकी वो एक प्रकार से प्राण सत्ता थे, एक उसका वो मेरुदंड थे। और उनका स्वरूप का बिछड़ जाना, उनकी देह का खो जाना अथवा उनका इस प्रकार से दिवंगत हो जाना पूरे विश्व में एक व्यथित कर देने वाला समाचार है। सनातन जगत में एक अपूर्ण क्षति है। संसार भर के हम सब साधु सभी स्थानों पर मठ मंदिरों में एक अलग प्रकार का शोक है लेकिन एक प्रकार की हम सब में श्रद्धांजलि का भाव भी है और पूरा सनातन जगत उन्हें बहुत ही आदर के साथ श्रद्धांजलि दे रहा है। उनके जाने पर मैं सनातन जगत की ओर से संपूर्ण महापुरुषों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। स्वामी मुक्तानंद को अंतिम विदाई देने पहुंचे अन्य संतों ने भी उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी। सचमुच
संत समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए क्षतिपूर्ण दिवस है, क्योंकि वे पतंजलि धाम से भले ही चले गए, परम धाम के पथिक भी बन गए, लेकिन मुझे लगता है उनकी आत्मा ही आसपास ही रहेगी। इसलिए मैंने कहा है कि वे तुरंत प्रभु को प्रणाम करके फिर वापस पतंजलि धाम की ओर आएं और फिर पुनः इन नए सन्यासियों को एक नई ऊर्जा, नया कर्मयोग, नए उत्साह के साथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि उनकी इस नए भारत की को आवश्यकता है। भारत एक नई उड़ान ले रहा है, उस उड़ान में उनकी बहुत आवश्यकता है, जिसमें मुक्ति भी हो, आनंद भी हो, वही तो मुक्तानंद है।